मेरे बच्चों का हक मारते रहे और अब भांजियों की वजह से मेरे बच्चों को फिर कुर्बान कर रहे हैं आप। तहमीना, ये बदगुमान होकर मेरी भांजियों की हक तलफी मत करो। मैं जोया की माँ है, आप उन पर शक कर रहे हैं? शक नहीं कर रहा, हाँ लेकिन वहम जरूर है, क्योंकि इस मुश्किल वक्त में मेरे लिए वही सहारा है। ना, आप कौन सा नया चांद चढ़ाया जोया ने? कभी हवा, कभी कुछ, कभी कुछ, छटाक भर कुड़ी है उसको। आपकी जान को पहले क्या कम रोग है? मेरा आंटी और दानियाल की सूरत, जब आप अम्मी को भी अपनी जान का रोग बना रहे हैं। बचपन में फातिमा को गोद लेके आपने। नाज़रीन, डामा मिशन के नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे जोया कहती है कि जोया ने ये सब कुछ किस तरह कर लिया। वलीद कहता है कि बेटी ये सब कुछ तुम्हारी मामा ने भी, ये मेरी तबीयत का कसूर है, मैं उसकी वजह से भी सोचता हूँ। उसकी बेटी कहती है कि बाबा जान आपने ये सब कुछ भूल जाएं, आपकी पहले भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और फिर आप अपनी मामा, मेरी मामा को भी इसमें शरीक कर रहे हैं, इसलिए आप इस तरह खामोशी से रहें। डॉक्टर ने आपको बोलने से मना किया है, आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा